सुखपाल खेरा की गिरफ्तारी पर पंजाब में आप बनाम कांग्रेस, इंडिया गठबंधन का क्या होगा। पंजाब पुलिस द्वारा गुरुवार को 2015 के ड्रग्स मामले में कांग्रेस विधायक सुखपाल खेरा को हिरासत में लेने के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच टकराव शुरू हो गया है। राज्य कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने इस कार्रवाई की निंदा की और इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया और कहा कि यह विपक्ष को डराने धमकाने का एक प्रयास है। यह दोनों पार्टियों की पंजाब इकाई के बीच चल रही खींचतान के बाद आया है, जो विपक्ष के इंडिया ब्लॉक के लिए हाथ मिलाने के लिए सहमत नहीं है। वारिंग ने कहा कि पंजाब कांग्रेस विधायक सुखपाल खेरा की हालिया गिरफ्तारी से राजनीतिक प्रतिशोध की बू आती है। यह विपक्ष को डराने की कोशिश है और मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की आप पंजाब सरकार की चाल है। राज्य कांग्रेस प्रमुख ने आगे कहा कि मैं इस गिरफ्तारी की निंदा करता हूं। यह जंगल राज है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सुबह मुझे फोन किया और हमें खैरा के लिए लड़ने के लिए कहा। उनके परिवार ने कहा है कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस नेता को पंजाब पुलिस ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस अधिनियम के मामले में हिरासत में लिया था। खैरा के बेटे मेहताब सिंह खैरा ने दावा किया कि उनके पिता ने पंजाब के सीएम भगवंत मान को बेनकाब किया है और इसके लिए उन्हें पदक मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जहां तक हम जानते हैं यह वही एफआईआर नंबर 35 है जो 2015 में दर्ज की गई थी, जिसका इस्तेमाल उन्होंने 8 साल बाद उन्हें गिरफ्तार करने के लिए किया था। यह राजनीतिक प्रतिशोध है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने कहा कि एसआईटी की जांच रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, पुलिस ने जो किया वह कानून के मुताबिक है। उन्होंने कहा कि भगवंत मान सरकार की प्राथमिकता नशा मुक्त पंजाब है, इसलिए कोई भी हो और किसी भी पार्टी का सदस्य हो, कानून सबके लिए समान है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आप सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि कानून अपनी अदालत में जाएगा। यह सर्वविदित है कि सुखपाल खेरा जी ड्रग्स के कारोबार में शामिल थे। उन्होंने कहा कि सुखपाल सिंह खेरा के खिलाफ मामला अकाली दल शासन में दर्ज किया गया था और उन्हें कांग्रेस शासनकाल के दौरान गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद वे कांग्रेस में शामिल हो गए और उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिला। पहले सरकार के दबाव में अधिकारी कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर पाते थे, अब वे स्वतंत्र हैं और कानून अपना काम कर रहा है। ऐसा है, ये प्योर बदलाखोरी है। पंजाब में भगवंत मान हमारी ऑपोजिशन को जर नहीं पा रहे। एक तरफ केजरीवाल और भगवंत मान इंडिया अलायंस के अंदर घुसने के लिए हमारी दिल्ली की लीडरशिप के ऊपर बहुत दबाव डालते हैं और यहाँ पंजाब में कांग्रेस को मार्जिनलाइज करने के लिए, आवाज़ बंद करने के लिए ऐसी गंदी हरकत की है। आज जो ये बोलते थे ना कि बदलाव की राजनीति कर रही है, ये बदलाव नहीं है, ये बदला है। इस केस, ये पुराना केस है 2015 का, एफआईआर नंबर 35 एनडीपीएस की है, बड़ा सीरियस केस है। और इस केस में 8-9 साल के बाद मेरे को आज नामजद कर दिया, जबकि इसी केस को लेकर के जब मेरे को कोर्ट ने तलब किया था 2017 में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड फाइव जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हैज रूल्ड इन माय फेवर कि ये जो समनिंग है फाजिलका की कोर्ट को, एफआईआर नंबर 35 जिसमें आप मेरे को अरेस्ट कर रहे हैं, इसकी समनिंग कॉज की हुई है सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके आधार के ऊपर हम हाईकोर्ट पहुंचे हैं। हाईकोर्ट ने सारी एफआईआर की प्रोसीडिंग्स को, पीएमएलए ईडी की प्रोसीडिंग्स को क्वाश के लिए 6 अक्टूबर हाईकोर्ट में डेट रखी हुई है, और यही एफआईआर को ईडी ने उठाया 2021 में, यही एफआईआर, क्योंकि वो शेड्यूल डिफेंस उठाते हैं। इसी एफआईआर में मेरे को अरेस्ट किया, इसी एफआईआर में मेरे को 80 दिन पटियाला जेल में रखा, इसी एफआईआर में मेरे को हाईकोर्ट के ऑनरेबल जज साहब ने डिटेल्ड ऑर्डर रेगुलर बेल दी। तो क्या आप एक ऑफेंस को लेकर के दोबारा अटैक करेंगे अपने विरोधियों के ऊपर? ये भगवंत मान, अमन अरोड़ा, कुलतार संधवा, इस एफआईआर के, जब मैंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ जो राणे गुरजीत को वहां से निकलवाया था कैबिनेट से, रेत माफिया मिनिस्टर को, ये मेरे साथ बैठते थे ये लोग के हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन के खिलाफ एफआईआर 30 में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, और अब उसी एफआईआर को उठा करके मेरे खिलाफ यूज कर रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मेरे रूल में फेवर किया, ईडी के केस में मेरे को रेगुलर बेल मिली है। ये तो भगवंत मान जैसे खून का प्यासा है। एंड लेट मी टेल यू आर द रिस्पॉन्सिबल मीडिया हेयर, आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ ही गेट्स मी फिजिकली इलिमिनेटेड ऑल्सो। आई एम लेट मी टेल यू बिकॉज जिस तरह का ये खून का प्यासा हो गया झूठे केसों के ऊपर, दोबारा ये चौथा केस है मेरे खिलाफ भगवंत मान की तरफ से। पहले 3 एफआईआर की मेरी बहन तक उनके खिलाफ, उनको लेडीज को भी नहीं छोड़ा।
अब ये चौथी एफआईआर करके तो जो आदमी इतनी ज्यादा नफरत रखता है वो तो आपको फिजिकली भी एलिमिनेट करा सकते हैं। ये पुलिस उनकी है, अगर मेरे घर में विदाउट वारंट विदाउट एनी एफआईआर विदाउट इन्फॉर्मिंग चंडीगढ़ पुलिस घुस सकते हैं सुबह 6 बजे, आई एम इन देयर कस्टडी नाउ। और जेलों में तो गैंगस्टर्स बैठे हैं, जिस भी जेल में मेरे को भेजेंगे वहां तो गैंगस्टर्स हैं और गैंगस्टर्स इनके साथ हैं। वो इनके जेलों से इंटरव्यू देते हैं, वो यहां से बैठे क्लेम करते हैं कि हम फलाने आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले रहे हैं, तो इनके लिए तो दैट मीन्स देर इज आई सेंस समथिंग वेरी वेरी डेंजरस एंड आई पर्सनली फील भगवंत मान विल बी सोनली रिस्पॉन्सिबल सोनली। जो स्वपन शर्मा वगैरह ये तो हाथ चुके हैं ना, डीआईजी वगैरह तो छोटे हैं, उनके फीले हैं, ये तो एक किस्म का जैसे पुलिस वाले जो इस लेवल के हैं ये पेड मर्सिनरीज की तरह काम कर रहे हैं, जैसे ना गुंडे बदमाश पेड होते हैं। ये भूल गए कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाले हैं, हम वर्दी डालते हैं, इसका स्वपन शर्मा का कोई काम नहीं है। मेरे को फाजिल का केस में आकर के उसको एसआईटी का हेड बनाया गया, अगर एसआईटी बनी थी वॉजेंट दी ड्यूटी ऑफ दी एसआई टू कॉल मी फॉर इन्वेस्टिगेशन। मेरे को बुलाते मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करता, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिखाता, मैं हाई कोर्ट का ऑर्डर दिखाता। इससे मेरे को इस तरह गिरफ्तार करके ये सिर्फ अपने उसने प्यास ठंडी की है भगवान में। आई डोंट बॉदर, लेट मी टेल यू ऑल ऑफ यू आई विल फाइट एवरी लिटिल बिट ऑफ इट। और मैं बिल्कुल डरने वाला नहीं हूं, और मैं आपको बताना चाहता आपके जरिए दुनिया को घबराना नहीं है, अल्टीमेटली ट्रूथ विल प्रिवेल, सच की जीत 100% होगी।